ओके सर, थैंक्स सर। कैसा अनुभव था, क्या सिचुएशन था इसे गाने का और कितने एंजॉय किया आपने? ये गाना बहुत ही खूबसूरत रोमांटिक सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ है आज, और आलोक सर ने जैसे आए हैं स्टूडियो, आपके जो माहौल बना है, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत गाने, दोनों गाने रिकॉर्ड हुए हैं, और म्यूजिक डायरेक्टर आर एस आर म्यूजिक डायरेक्टर हैं, नए कंपोज़र हैं, बहुत अच्छा म्यूजिक दिया है, और लिखे हुए गाने एक दानिश साबरी का और दूसरा प्रशांत यादव जी का गाना लिखा है, बहुत अच्छा जो आज रिकॉर्ड हो रहा है वो प्रशांत जी का है, और बहुत ही खूबसूरत सॉन्ग, रोमांटिक सॉन्ग रिकॉर्ड हुआ है, और ये नसीब की बात यह है कि दोनों गाने मैंने गाए। सर आपसे जाऊँ क्या कहने चाहेंगे इस प्रोजेक्ट के बारे में, क्या थीम है इसका, जो आर्टिस्ट हैं उनके ने बताइए कि कोई नॉन आर्टिस्ट है कि नहीं? इसमें काफ़ी नॉन आर्टिस्ट हैं, इसके अंदर हितेन तेजवानी हैं, ओजस रावल हैं, मिस इंडिया रनर्स अप लवीना इसरानी हैं, बाजू में बैठी हुई हैं मृण्मय कौल बालकर, यही इनकी मेरे साथ तीसरी फिल्म होगी, और ब्रजेंद्र काला जी हैं, अनिल धवन जी हैं, शालिनी कपूर जी हैं, और तुषार हैं, काफ़ी सारे एक्टर हैं, गौरव दीक्षित हैं। तो सब्जेक्ट बेसिकली क्या है, ये क्या शोकेस करना चाह रहा है इस फिल्म के माध्यम से, क्या शोकेस करेंगे आप दर्शकों को? ये एक यूनिक लव स्टोरी है जो एक प्रोफेसर एक स्टूडेंट के बीच में, जो एक्सेप्टेबल तो नहीं है, लोग मानेंगे तो नहीं इसको, लेकिन वही है कि फिल्म अंधेरे में बनती है और अंधेरे में दिखाई जाती है, तो हमारी कोशिश ये रहेगी कि ऑडियंस इसको डाइजेस्ट कर ले और इस स्टोरी को काफ़ी इन्जॉय करें और ये सोचे कि ये पॉसिबल है, हो सकता है। तो शूटिंग शेड्यूल कहाँ और कब तक यूज होने वाली है? शूटिंग शेड्यूल हम लोगों ने अभी शिमला में किया है, हम लोगों ने पालमपुर में किया है, हिमाचल प्रदेश में एक जगह है पालमपुर, वहाँ पर किया है, और अभी दूसरा जो फाइनल शेड्यूल है वो अभी फरवरी में पालमपुर और दिल्ली में होगा, एंड फिल्म तो फरवरी में शूटिंग पोर्शन तो कंप्लीट हो जाएगा। मैं आपसे चाहूँगा, जैसा सर ने बताया कि प्रोजेक्ट पहले थे, कि आपने कितने एक्साइटेड इस प्रोजेक्ट को लेकर और पहले जो किया था उसके बारे में बताया कि आप क्या कहना चाहेंगे? एक्चुअली मेरा फिल्म इंडस्ट्री में जो मुझे ब्रेक मिला फर्स्ट मराठी फिल्म थ्रू, वो आलोक सर ने मुझे ब्रेक दिया था, तो ऑलवेज मिसमैच नाम की फिल्म मराठी उन्होंने बनाई थी, और वो मेरा फर्स्ट प्रोजेक्ट था, ऑब्वियसली दैट हैज ऑलवेज बीन वेरी स्पेशल टू मी, क्योंकि फर्स्ट इज़ ऑलवेज स्पेशल। उसके बाद मैंने एनकाउंटर फिल्म आलोक सर के साथ की, और ये तीसरी फिल्म है मिस मसाला डोसा, जिसमें अगेन आई एम लकी टू बी कास्टेड इन दिस, तो मैं बहुत खुश हूँ। एक चीज क्लियर कर दीजिए, मिस मस इस मैच का डायरेक्टर वाज गिरीश वसाईकर जी, या एंड प्रोड्यूसर वाज आलोक सर, आलोक श्रीवास्तव, मैं उसमें डायरेक्टर नहीं था, डायरेक्टर कोई और था। तो मैम व्हाट रोल यू आर प्लेइंग इन द मूवी? एंड इन द मूवी आई एम प्लेइंग अ वेरी इंटरेस्टिंग रोल, मैं एक फीमेल कॉप का रोल प्ले कर रही हूँ, पर आज ज़्यादा मैं म्यूजिक के बारे में फिल्म के बात करूँगी, क्योंकि अभी अभी हम रिकॉर्डिंग से निकले हैं एंड इट इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल सॉन्ग, और मुझे लगता है कि हर फिल्म का बैकबोन होता है म्यूजिक, क्योंकि म्यूजिक पहले ऑडियंस से, फिल्म से पहले भी ज़्यादा म्यूजिक से कनेक्ट होती है ऑडियंस, सो आलोक सर हैज़ ऑलवेज बीन वेरी चूजी अबाउट हिज म्यूजिक, और बहुत अच्छा नॉलेज रखते हैं वो म्यूजिक में, और शबाब साबरी जी ने गाया है ये सॉन्ग, तो ऑब्वियसली और मुझे और कहने की कुछ ज़रूरत ही नहीं है इसके बारे में। शबाब जी आपसे जानना चाहेंगे, कोई भी जब सॉन्ग आपके पास आता है क्या खास बात देखते हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए, और आज का एक्सपीरियंस कैसा रहा आपके? देखिए जो म्यूजिक है, जो सॉन्ग मेरे पास आते हैं, ये मेरी खुश नसीबी है, और ऑलमोस्ट ये एक गाने के लिए मैं आया था आलोक जी के पास, और दोनों गाने मैंने रिकॉर्ड किए हैं, और एक से बढ़कर एक गाने, और क्योंकि पहला जो सॉन्ग किया था तो खुदा सहे मेरी हसरतों का, बहुत खूबसूरत गाना रिकॉर्ड हुआ था, और आज ये जो रोमांटिक सॉन्ग हुआ है, क्योंकि मैं सबसे भाग्यशाली अपने आपको ये मानता हूँ कि खुदा का इतना बड़ा कर्म है कि हर जॉनर, यानी कि लोग बाग मुझे सूफियाना अंदाज में, शबाब सूफी गाता है, ये गाता है, वो गाता है, मगर इस फिल्म में मैंने दोनों गाने रोमांटिक गाए हैं, और आप लोगों को दोनों गानों में बहुत मज़ा, बहुत लुत्फ आएगा जब आप गाने सुनेंगे। शबाब भाई दबंग 3 भी रिलीज हो रही है, और आपको पता ही आपका गाना हिट हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे, क्या फ्रेंचाइजी का जो सक्सेस है रेट है उसमें आपका कंट्रीब्यूशन कितना रहा है? अरे सर ये तो मेरी खुशनसीबी है कि इस दबंग का हिस्सा भी बना हूँ, और रही बात हुड़ हुड़ दबंग की,
तो मैं चाहता हूँ इंशाल्लाह ये गाना, तू खुदा सा है मेरी हसरतों का, ये मैं आज ही बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा गाना है, आने वाले वक्त में वो एक अपना परचम लहराएगा और उस गाने की बात ही कुछ अलग। तो ट्रेलर वगैरह देखा होगा, कितना जस्टिस कर पाएंगे इस बार, कितना कामयाब हो पाएंगे सलमान भाई जो पिछले दो से हुए? अच्छा, मैं अपनी इस मूवी की बात कर रहा था, आप दबंग की बात कर रहे हैं, तो मैं बहुत खुश हूँ दबंग से, और हम लोग कल भी एक इवेंट में थे सलमान भाई के साथ, तो यही खुशनसीबी है मेरी कि मैं उस घर से सिलसिले से जुड़ा हूँ, और हमेशा कहीं मेरे गाने आप लोगों ने सुने, जैसे जलते दिए तेरे नैना, हम का पीनी है, मुझसे शादी करोगी, इस बार पवन उड़ाए बतिया, इस बार हुड़ हुड़ दबंग गाने का मौका मिला, और आप लोगों ने पूरी इंडस्ट्री के सभी लोगों ने उस गाने को सराहा है, मेरी खुशनसीबी है कि हर हर शख्स के लबों पर दबंग का म्यूजिक है, तो हुड़ हुड़ दबंग है, तो ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। और सर, आपका अभी जो शेड्यूल आप शिमला में करके आए थे, इतनी ठंडी में, तो उसके बारे में कुछ शेयर करेंगे सर? बहुत इंटरेस्टिंग शेड्यूल था, हितेन तेजवानी थे, ब्रजेंद्र बालाजी थे, मरीना कोलवालकर थी, लवीना इसरानी थी, ओजस रावल थे, और काफ़ी सारे एक्टर्स थे, साजिद, राघव, तुषार, गौरव दीक्षित, काफ़ी सारे, मतलब कॉलेज के पूरे मेजर सीक्वेंसेस थे जो हम लोगों को वो एक पर्टिकुलर एटमॉस्फेयर के अंदर, वो पर्टिकुलर सीजन के अंदर ही शूट करने थे, बिकॉज फिल्म में वोलेंस ज़्यादा है तो वो ठंड में ही शूट करने पड़ेंगे, और उसके बाद अब जो क्लाइमेट है वो तो पता एक्सट्रीम है, अब तो उसमें आप शूट कर ही नहीं सकते, मतलब अब जो लास्ट जो सेकंड अब हमको चांस मिलेगा वो मिलेगा फरवरी के अंदर, तो हम लोगों ने फरवरी में 3 गाने टारगेट किए हुए हैं, रेस्ट ऑफ द शेड्यूल टारगेट किया हुआ है, और जो क्लाइमेक्स का पोर्शन है वो थोड़ा सा पालमपुर में और थोड़ा सा इंडोर्स है, तो इंडोर्स का अभी तक डिसाइड नहीं किया है, वो हम लोगों ने कहाँ करेंगे। थैंक यू सो मच। मेरा नाम है साजिद बुबेर, मेरी लास्ट फिल्म थी आई शंकर की मूवी किया था, उसमें इमी जैक्सन का बॉयफ्रेंड का रोल प्ले किया, बड़ी फिल्म थी। उसके बाद में मैं काफ़ी मैंने अभी टीवी शोज भी कर चुका हूँ, चैनल वी पे कॉलेज का रोल प्ले कर चुका हूँ, बड़ी प्रोजेक्ट में, तो मैं काफ़ी टाइम से कुछ एक अच्छी फिल्म करने की तलाश में था, अच्छी स्टोरी ढूंढ रहा था कि कुछ अच्छे मुझे परफॉर्म करने मिले, और इसमें मैं कॉलेज बॉय का एक कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जिसका नाम है सनी, तो बहुत अच्छा कैरेक्टर है, मज़ा आ रहा है काम करने में, और आलोक आलोक श्रीवास्तव जो डायरेक्टर हैं उन्होंने मुझे इस प्रोजेक्ट में काम करने का मौका दिया, और अभी हमारा फर्स्ट शेड्यूल कम्प्लीट हुआ है पालमपुर में, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, और काफ़ी कॉलेज के सीन थे, मेरा टीवी शो भी था वो भी ऐसे ही शूट करते थे हम लोग, और यूथ ओरिएंटेड सब्जेक्ट है और सब यूथ लोग इन्वॉल्व है शो में, डायरेक्टर भी काफ़ी अच्छे हैं, डीओपी जी है, अशोक सर है, और यू नो कनन सर है, तो काफ़ी मज़ा आया काम करने में, बस सो मच, एनकाउंटर लास्ट फिल्म की, और अब ये मिस मसाला डोसा। मिस मसाला डोसा यूथफुल फिल्म है, ये कॉलेज की एक लव स्टोरी है जो हिमाचल के मतलब अनटच लोकेशन पर शूट की गई है, और इसमें आपको हर तरह के मसाले मिलेंगे जो आपको चाहिए। सर ये आप बताइए। हाय, मेरा नाम राघव भर है, बेसिकली आई एम फिटनेस मॉडल, तो मूवी मेरी पहली है, इससे पहले मैं वेब सीरीज कर चुका हूँ, तो प्राइम फिक्स के लिए और मुंबई फिल्म एकेडमी के लिए, तो इट वॉज माई फर्स्ट मूवी, तो मेरे लिए तो बहुत एक्साइटेड है ये, और आई एम थैंकफुल टू आलोक सर जिन्होंने मुझे मौका दिया खुद को प्रूव करने के लिए। इस स्टोरी में मैं कॉलेज बॉय का कैरेक्टर प्ले कर रहा हूँ जो काफ़ी इंटरेस्टिंग है और मज़ा आ रहा है काम करने में। नमस्कार, मैं तुषार आचार्य, आलोक सर से मेरी पहचान 2.5-3 सालों से है, लेकिन कभी इससे पहले कोई काम नहीं किया था। हाँ, एक फिल्म इससे पहले सर की एक फिल्म आई थी, उसके लिए बुलाया था, लेकिन मैं किसी दूसरी फिल्म में थोड़ा सा बिजी था, शूट में बाहर था कहीं, तो इस फिल्म की स्टोरी जब मुझे सर ने सुनाया कि तुषार स्टोरी ये है, आपका कैरेक्टर एक प्योन का कैरेक्टर, मेरा एक्चुअली कैरेक्टर एक प्योन का कैरेक्टर है, बोले कि आपका काम ये रहेगा, आपके जो एक्टिविटीज़ है, आपके आपका जो फनी टाइप का कैरेक्टर है ये आपको ही करना है, सर ने जिद किया कि तुषार आपको ही करना है, सारा काम छोड़ के आपको यही करना है, तो मैं ठीक है सर,
ताकि अभी शो जब से चालू हो गए हैं तो मज़ा आ गया अभी काम देख के, काम करके सर का काम करने का तौर तरीका बहुत अच्छा है एक्चुअली। पहली बात तो बहुत अच्छे इंसान है और हमारे टीम में जो हमारे अशोक सर हैं बहुत अच्छे डीओपी हैं, बहुत अच्छे कोऑपरेटिव हैं सब, तो मज़ा आ रहा है, अच्छा काम हो रहा है, बढ़िया हो रहा है। और यकीनन जब फिल्म आएगी तो आप सबको बहुत अच्छी लगेगी, प्लीज़ आप सबका सहयोग चाहिए, आप एक बार देखेगा जरूर जब फिल्म आएगी। सर आपसे जानना चाहेंगे दो डीओपी, ये भी अपने आप में एक अलग कॉन्सेप्ट है क्योंकि एक डीओपी तो सुना था एक फिल्म में, दो डीओपी एक फिल्म में पहली बार मेरे साथ मेरे ख्याल से होने जा रहा है। और क्या है मसाला डोसा, ये दो डीओपी का मसाला डोसा क्या है, मिस मसाला डोसा? मिस मसाला डोसा इज एक्चुअली लव स्टोरी, ये लव स्टोरी मतलब हर जगह में होता है लेकिन ये होता है हिमाचल में पालमपुर देखने के लिए हिल स्टेशन है, तो उसको हिल स्टेशन में शूट करने के लिए आलोक जी ने हमको इतना अच्छा मौका दिया शूट करने के लिए। हम भी ऐसा सिनेमाटोग्राफर्स हैं, नॉर्मली शूट करने से हिल स्टेशन मतलब पहाड़ों में वो भी मतलब स्नो में भी शूट करने में अच्छा लगेगा, सो अच्छा ये भी। नहीं वो नहीं बताया आपने डबल डीओपी का क्या कॉन्सेप्ट है, मतलब डबल डीओपी है तो सब कंटेंट को बहुत अच्छा मिलेगा पब्लिक के लिए। उसका रीजन ये है कि हमने जो लोकेशंस हैं मोस्ट ऑफ द सीन्स हमने डबल कैमरा शूट किया है, तो डबल कैमरा शूट में ऐसा होता है कि एक डीओपी होता है और उसके असिस्टेंट होते हैं, लेकिन हमने ऐसा किया है इसमें कि दोनों डीओपी हैं तो रिजल्ट अच्छा मिलेगा, आपको ऑडियंस को अच्छी चीज देखने को अलग ही मिलेगा। और मसाला डोसा से कोई मतलब नहीं है डबल डी ओपी का, मसाला डोसा तो बना ही रहे ना हम लोग दोनों मिलके बना रहे हैं के बाद मिलेगा खाने के लिए। और यहाँ जो हम आपसे बात कर रहे हैं, यहाँ पे ये गाना रिकॉर्ड हुआ है शबाब शाह, तो अभी तो उनके दबंग के गाने हिट हैं, और ये जो गाना उन्होंने बनाया आपको दिल खो गया खो गया, ये गाना आपको उससे भी कहीं ऊपर लेके जाए। चलिए विश्व,